नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका भद्रा एस एकेडमी में शुरुआत करते हैं डेली करंट अफेयर्स ऑफ 18th मार्च 2022 अगेन सोर्स ऑफ न्यूज जो है हमारा द हिंदू से ही मेजॉरिटी ऑफ न्यूज़ हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं अगेन शुरुआत करने से पहले लेट मी रिमाइंड यू गाइज दैट टूडे इज होली राइट सो वी फ्रॉम द टीम ऑफ भद्रा एस वुड लाइक टू विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली प्ले इट सेफ राइट सो एनी चलिए शुरुआत करते हैं Uh, हमारा क्लास बट अगेन uh, क्लास के आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू दैट डाउनलोडिंग ऑप्शन जो है इस पी का नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ आई make मेक श्योर दैट यू कैन डाउनलोड दिस होल पी डी एफ फ्रॉम योसे राइट एनी द वेरी फर्स्ट जो न्यूज है द हिंदू से हम लोगों ने लिया है वो है ग्रीन स्टार्टअप्स को रिलेटेड राइट नाउ ध्यान दीजिएगा एग्जाम यूटिलिटी perspective अगर देख लीजिएगा तो prelims पर्सपेक्टिव में अगेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं राइट right? तो उससे यह क्वेश्चन भी डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है क्यों न्यूज में था क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी बोला है दैट दो करोड़ रुपए जो है स्टार्टअप फंड प्रोवाइड करेगी दिल्ली गवर्नमेंट जिससे फंड किया जा सके ग्रीन सोल्यूशंस टू मेनी प्रॉब्लम्स विच इज अराइजिंग इन एंड अराउंड दिल्ली राइट right? और यह भी बोला गया आश्वासन दिया गया दैट ये जो स्टार्टअप्स को जो फंड किया जाएगा ना इनको प्रॉपर इंक्यूबेशन मिलेगा आईआईटी दिल्ली के थ्रू मतलब इंक्यूबेशन क्या है देखो जैसे अगर कोई भी स्टार्टअप बन रहा है है ना उसके लिए बहुत सारे एक इन्वायरमेंट चाहिए राइट प्रॉपर ऐसा नहीं देखा कहीं पर भी जाके बना मतलब एक काइंड ऑफ लैब प्रोवाइड करना राइट गाइडेंस प्रोवाइड करना तो अगेन आपको पता है दैट आई में जो है काफ़ी ज़्यादा मेच्योर्ड प्रोफेसर्स यू नो गाइड गाइड पीपल रहते हैं राइट तो क्योंकि अगर उनका अगर प्रॉपर लिंकेज मिल गया तो जो भी स्टार्टअप प्रोजेक्ट बन रहा है उसमें प्रोडक्टिविटी की गुंजाइश जो है और भी बढ़ जाती है राइट इसीलिए टेक्नोलॉजी स्टार्टअप अनडाउटेडली प्ले क्रूशियल रोल अगर देख लीजिएगा कोई भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को जो है ना अभी टेक्नोलॉजी के सहारे और भी स्मूथली हम लोग कवर अप कर दे रहे हैं राइट और दिल्ली में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और उन्हीं के निपटारा के लिए बेसिकली दिल्ली की गवर्नमेंट ये दो करोड़ रुपए प्रोवाइड कर रही है इससे क्या फर्क मतलब फ़र्क पड़ने वाला है दैट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन या फिर वेरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो है ना वह आने वाले समय में घट जाएगी और अगर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आपको पता है दैट ह्यूमन इम्पैक्ट का एकदम डायरेक्ट रिलेशनशिप है क्योंकि अगर इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंजेस you know, आता है तो उसका इंपैक्ट हमें ह्यूमन में देखने को मिलता है और ह्यूमन में इसका नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है राइट तो इसीलिए जिससे फ्यूचर में वो प्रॉब्लम एरोज हो ही ना जैसे अगर से फॉर एग्जांपल एयर पोल्यूशन राइट वाटर पॉल्यूशन दीज आर द मेजर दॉब्लम दैट आर बिंग सीन इन दिल्ली राइट तो वो चीज अगर ना हो तो ह्यूमन के ऊपर जो इंपैक्ट है वो बहुत हद तक घट जाएगा राइट और ये हम कैसे करेंगे अगेन टेक्नोलॉजी के सहारे टेक्नोलॉजी के सहारे हम लोग करेंगे क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स में अगर कुछ चेंजेस लाने की

नेक्स्ट जो है दोस्तों पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को लेकर है एक्चुअली देखिए प्रिविलेज मोशन पास किया गया था अगेंस्ट बंगाल बंगाल में बेसिकली ठीक है और अगेन ये सोर्स भी सोर्स ऑफ न्यूज हिंदू है जी एस टू के इस टॉपिक से आप इसको आराम से रिलेट कर सकते हो दैट इज पार्लियामेंट फंक्शनिंग कंडक्ट ऑफ बिजनेस सीधा सीधा आप इसको रिलेट कर सकते हो ना no, सवाल यह होता है द ठीक है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के बारे में न्यूज़ था यह होता क्या है भैया पार्लियामेंट्री प्रिविलेज देखो इसके तहत क्या होता है ना पार्लियामेंट पार्लियामेंट आपको पता है ना क्या होता है लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट ये तीनों एंटिटी मिलकर बनाते हैं पार्लियामेंट राइट right? बट बट ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो प्रोवाइड किए जाते हैं ना ये लोकसभा और राज्यसभा को किए जाता है प्रेसिडेंट को नहीं किए जाते हैं चलो आने वाले स्लाइड्स में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे डोंट वरी एनी पार्लियामेंट पार्लियामेंट में जो वेरियस कमिटीज है और इनके मेंबर्स को एक स्पेशल राइट मिलता है राइट स्पेशल राइट right, आप बोलो इसको इम्यूनिटी काइंड ऑफ बोलो या फिर एग्जम्पन्स बोलो जो क्या नॉर्मल कोई भी इंसान को नहीं मिलता है क्यों क्योंकि दे आर द वन हुअ हु इज रिप्रेजेंटिंग आर होल कंट्री राइट वो लोग जो है पार्लियामेंट के सदन में बैठ कर वो लोकसभा लोग के रखो या राज्यसभा उसमें बैठ कर बहुत कुछ ऐसे उन लोगों को यू you नो know, चीज़ें बोलनी पड़ती है विच uh, जो क्या अगेन यूजली सबको इतना एम्पावरमेंट नहीं मिलता है एनी वेज तो ये जो उनको इम्यूनिटी मिलती है ना दैट इज व्हाट कॉल्ड पार्लियामेंट्री प्रिविलेज ठीक है देखो अगेन ये जो बंगाल में क्या हो रहा है इसके भीतर हमें जानना ही नहीं है राइट क्योंकि वो चीज हमारे काम का ही नहीं है हमारे जो काम का है जो क्या पेपर में पूछा जा सकता है वह है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज इसके बारे में हम लोग इसके डिस्कस कर रहे हैं राइट कॉन्स्टिट्यूशन जो एक्सटेंड करता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को उन उन लोगों के लिए जो क्या मतलब पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स में जो है ना टेक पार्ट लेते हैं या फिर बोलते हैं कुछ जैसे आप कौन कौन है बताइए तो अटॉर्नी जनरल सुना है ना नाम को राइट right? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही अ राइट दैट वो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में टेक पार्ट ले सकता है राइट ऑफ कोर्स यूनियन मिनिस्टर्स का तो है तो इसीलिए इन लोगों को भी दैट इज अटॉर्नी जनरल को भी यह स्पेशल राइट इम्यूनिटीज एंड एग्जामशन प्रोवाइडेड है जब भी वो पार्लियामेंट के सदन में कुछ भी यू you नो know, अपना कोऑर्डिनेशन देते हैं तो ठीक है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है ध्यान दीजिएगा पार्लिया प्रेसिडेंट के ऊपर एक्सटेंड बिल्कुल नहीं होता मैंने बोला ना पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ थ्री एंटिटीज लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट बट प्रेसिडेंट के केस में जो है ना ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एक्सटेंड नहीं मिलता है राटिकल आर्टिकल सिक्सटी वन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह प्रेसिडेंट को प्रिविलेजेस प्रोवाइड करता है तो देखिए वो वो अलग प्रिविलेज हो गया अंडर आर्टिकल 361। सिक्सटी वन दैट कैनॉट बी सेट टू बी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ठीक है एनीवेज आर्टिकल 105 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर देख लीजिएगा वो क्लियरली एक्सप्रेस करता है दो प्रिविलेजेस दैट इज एक है फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट और दूसरा राइट टू पब्लिकेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग ये दो आर्टिकल क्लियरली मेंशन किया हुआ है एंड पार्लियामेंट अभी तक अगर देख लीजिएगा ऐसा कोई भी हैज नॉट देखो ऐसा कोई भी स्पेशल लॉ नहीं बना है जिसके थ्रू प्रिविलेज को एक्सक्लूसिवली वो कॉडिफाइड कर सके राइट right? तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए दैट पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर एक्सक्लूसिवली इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सो so, क्या वो सही है नहीं देट विल बी रॉन्ग ठीक है यह सब इसीलिए बोल रहा हूं इन बिटवीन द लाइन्स भी हमें अच्छे से पढ़ना पड़ता है प्रिविलेज कमेटी की अगर बात करें तो अनडाउटेडली क्या होता है ना देखो अभी जो न्यूज था उसमें क्या होता है अगर फॉर एग्जाम्पल आप मंत्री हो राइट right? मैंने मैं भी एक दूसरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं मैंने आपके खिलाफ प्रिविलेज मोशन डाल दिया है ना अब क्या करेगी वहां की जो स्पीकर है या फिर चेयरमैन है ना वो ऐसा नहीं बोलेगी चलो इसके खिलाफ जो है प्रिविलेज मोशन पास हो गया ना ना वो क्या करती है पहले इस को कमेटी के पास भेजती है और बोलती है दर देखिए आप सर्च कीजिए क्या वो एक्चुअली में सही है ये प्रिविलेज जो मोशन पास किया गया अगेंस्ट कोई भी मंत्री क्या वो सही है तो वही चीज है उसी प्रिविलेज कमेटी का मैं बात कर रहा हूं ठीक है यह एक स्टैंडिंग कमेटी है जो कि एग्जामिन करती है मैंने बोला ना एग्जामिन करती है केसेस ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ द हाउसेज एंड इट्स मेंबर और साथ ही साथ रिकमेंड करती है दैट क्या क्या अप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए इसके खिलाफ लोकसभा की अगर बात करें लोकसभा में यह पंद्रह मेंबर की कमेटी होती है और राज्यसभा में दस मेंबर ये मिलाकर बेसिकली ये प्रिविलेज कमेटी बनाती है ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि प्रिविलेज में इस टाइप के फैक्चुअल चीज़ें पूछा जाने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है नेक्स्ट जो न्यूज़ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन से रिलेटेड है दोस्तों एक्चुअली ये भी सोर्स है द हिंदू का क्यों न्यूज में लिया गया क्योंकि अभी आपको पता है दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन जो है इस्लामाबाद में बेसिकली अपना कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करेगी तो उसमें हुत कॉन्फ्रेंस से बेसिकली लोगों को बुलाया गया कश्मीर से राइट तो इसलिए इंडिया ने दो टुक शब्दों में क्लियरली बोल दिया गया दैट देखो भैया वैसे लोगों को आप बिल्कुल ही आ, मतलब ज्यादा तवज्जो मत दो जो क्या इंडिया में टेररिज्म फैलाते हैं राइट क्लियरली एकदम सीधा सीधा हमारे अरिंदम बख्शी ने बोल दिया क्लियरली राइट right? तो अगेन एग्जाम यूटिलिटी परस्पेक्टिव में प्रिलिम्स के बारे में आप प्रिलिम्स में आप ये क्लियरली देख सकते हैं क्योंकि डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन के बारे में ये कौन सी बॉडी है ठीक है तो ये ध्यान से देखते हैं एक एक करके ऑटोमेटिकली समझेंगे दैट कैसे ये प्रिलम्स परसपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है अच्छा चलो एक मैं हिंट देता हूँ आपको ठीक है इसके रिलेटेड मैं आपको एक एम भी देने वाला हूँ ठीक है सो मेक श्योर एक एक पॉइंट अच्छे से देखो है ना और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना यार एम सी क्यू के आपके आंसर्स क्या क्या है ठीक है एनी वेज तो पहला है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कारपोरेशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन अनडाउटेडली यूनाइटेड नेशन के बाद जो है ना ये दूसरा लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में ठीक है जहां पर फिफ्टी सेवन मेंबर स्टेट्स लाइक करते हैं राइट कलेक्टिव कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कारपोरेशन जो है ये कलेक्टिव वॉइस है पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का राइट और ये यही नहीं है सेफ और प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड दुनिया भर में जो मुस्लिम वर्ल्ड कि कोई भी अगर प्रॉब्लम्स है उसके प्रॉब्लम्स को सेफ करता है बट अनफॉर्चुनेटली जो भी चीज़ें चाइना के द्वारा उइ और मुस्लिम के खिलाफ की जा रही है उसके खिलाफ ये एक भी आवाज़ कुछ नहीं निकालता है ठीक है एनी ये तो कहता है दैट हाँ भाई हम लोग सेफ और प्रोटेक्ट करते हैं मुस्लिम वर्ल्ड के इंटरेस्ट को जिससे दुनिया भर में इंटरनेशनल पीस प्रोमोट हो और हारमोनी भी प्रोमोट हो सके इस्टेब्लिश किया गया था 1961 में इन रबात दैट इज़ अ किंगडम ऑफ मोरक्को राइट right, देखो 1969 में किया गया राइट right? इसीलिए 2019 में जो है इसका फिफ्टियत एनिवर्सरी था ना और उसी फिफ्टियथ एनिवर्सरी में इंडिया को बुलाया गया था एज अ फोर्टी सिक्स सेशन ऑफ काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स में यह भी ओ का जिसके कारण पाकिस्तान ने बहुत ही ज़्यादा नाराजगी जताई थी राइट right? वैसे आपको ध्यान में यह रखना है दैट इंडिया मेंबर नहीं है ओ का एस ठीक है ओ का हेड क्वार्टर कहाँ है यह है सऊदी अरेबिया में ठीक है चलो नेक्स्ट इज डीप ओशन मिशन के रिलेटेड एक्चुअली क्यों न्यूज में था क्योंकि इंडिया जो है एस्टेब्लिश कर रही है नेटवर्क ऑफ थर्टी सिक्स टाइड गेज जिससे अगर इंडियन ओशन में सुनामी आ जाए उसको प्रॉपरली मॉनिटर कर सके और जल्दी से जल्दी जो है हम लोग फॉरकास्ट कर सके और जो भी कोस्टल रीजन्स में लोग हैं उसको हम लोग इवैकुएट कर सके क्योंकि आपको पता होना चाहिए दैट सन दो हजार चार में जो डिवास्टिटिंग सुनामी जिसने इंडियन कोस्टल रीजन्स को हिट किया था बहुत ही ज़्यादा उसने टोल लिया था दैट इज़ ह्यूमन लाइफ्स वेयर वेरी मच इम्पैक्टेड थ्रू भैया देखो यह एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है ब्लू इकोनॉमी इनिशियटिवॉमी इनिशियटिव क्या है जिसके थ्रू हम लोग सागर से जो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ना इकोनॉमी उसको एक्सट्रैक्ट करना है मतलब वहां से यू नो एनर्जी प्रोड्यूस करना वहां से यू नो डीप सी बेड से हम लोग हाइड्रोकार्बन एक्सट्रैक्ट करना मछलियों को पकड़ना तो ये सब चीजें जो है ओवरऑल अगर सागर से अगर कोई इकोनॉमी को हम लोग एक्सट्रैक्ट uh, कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड ब्रू इकोनॉमी राइट और ये डीप ओशन मिशन भी उसके अंडर ही है अर्लियर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस हैज हैल्सो रोल आउट ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड ब्लू इकनॉमी इज सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज इसके थ्रू बेसिकली ओशन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन किया जाता है वो भी सस्टेनेबल मैनर में जिससे ओशन ओशन इकोसिस्टम हेल्थ तो प्रमोट किया ही जा सकता है बट ओशन से जो इकोनॉमी है ना वो भी अपन आराम से एक्सट्रैक्ट कर सके राइट right? और उसी के संदर्भ में डीप ओशन मिशन भी है जिसका वेरियस कंपोनेंट्स क्या क्या है जैसे मैंड सबमरीन व्हीकल जो है ओशन के भीतर छोड़ना है क्योंकि देखो अगर हम सबमरीन व्हीकल जो है ओशन के भीतर अगर हम छोड़े ना तो बहुत कुछ ओशन के भीतर जो कि अभी तक दुनिया मतलब गवर्नमेंट या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन से एक्सट्रैक्ट नहीं किया या फिर बहुत सारे डेटाज है जो कि हमें चाहिए होता है राइट right? उन डेटाज को अपन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डीप सी माइनिंग को प्रमोट किया जा सकता है आपको पता ना होना चाहिए दैट हम लोगों ने इंटरनेशनल सी बेट अथॉरिटी से पॉली नॉड्यूल्स को एक्सट्रैक्ट करने का परमिशन लिया हुआ है राइट इंडियन ओशन के रीजन्स में राइट right? तो ये क्या है इट इज़ अगेन अ कॉन्सेप्ट कॉम्पोनेंट ऑफ डीप ओशन मिशन ऑनली राइट कहीं ना कहीं डेवलपमेंट करना है ओशन क्लाइमेट एनर्जी सॉरी क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी का क्योंकि देखो क्या होता है ना क्लाइमेट चेंज के कारण ओशन में भी बहुत हद तक इंपैक्ट हो रहा है जैसे आपको पता होना चाहिए दैट ओशंस में जो सेलिडिटी uh, है वो चेंजेस हो रही है ओशन्स की जो टेम्परेचर है वो चेंज हो रही है राइट right? तो इन सब चीज़ों को uh, इन सब चीज़ों का यू नो कहीं ना कहीं हमें डेटा मिल सकता है आराम से यही नहीं डीप सी बायोडाइवर्सिटी को भी आप आना आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं और कंजर्व कर सकते हैं क्योंकि डीप बॉटम सी में भी बहुत सारे ऐसे प्लैंकटॉन्स ब्लॉक ऐसे नेक्टॉन्स हमें मिलते हैं जो क्या अगेन ओशन ocean... इकोसिस्टम uh, को सस्टेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो अगर हम डीप ओशन मिशन अगर कैरिया फॉरवर्ड करें तो इन सब के बारे में हमें इंफॉर्मेशंस तो मिल सकता है ना जिससे फ्यूचर में अगर सोचो कोई क्लाइमेट चेंज के कारण कोई एक पर्टिकुलर प्लैंटॉन स्पीशीज या फिर कोई एक पर्टिकुलर नेक्टॉन स्पीशीज़ बहुत ही ज़्यादा चेंजेस मैंने अपने यू नो सर्वाइवल रेट में चेंजेस दिखा रहे हैं तो वो क्या हम लोग बोलेंगे वो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं एज अ बायो इंडिकेटर है ना मतलब देखो क्या है दैट वही बायोलॉजिकल कॉम्पोनेंट से ही वही बायोलॉजिकल कॉम्पोनेंट्स ही कुछ कुछ ऐसे इंडिकेट कर सकती हैं जिससे क्या वो इंडिकेट करती है दैट देखो भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है है ना हम लोग मर रहे हैं राइट तो इससे क्या होता है दैट इन लोगों को दैट इज वी ह्यूमंस को पता चल जाता है और हम लोग जो है फर्दर एक्शंस ले पाते हैं राइट डी पोशनिक सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन आपको तो पता ही है यार डी पोशंस में क्या क्या क्यों सर्वे किया जाता है अगेन आप बोल सकते हैं यू नो सी फ्लोर स्प्रेडिंग को एक्सेस करने के लिए सी फ्लोर्स में किस टाइप के टोपोग्राफिकल फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं राइट सबमरीन मरीन रीजन्स में उन सब को देखने के लिए रिजिस का पता करने के लिए ठीक है कोई फॉल्ट लाइन अगर कहीं पर एरोज हो रहा है उन सबको पता करने के लिए कहीं पर अगर वोल्कैनिक इडप्शंस होने का प्रोबेबिलिटी है उन सबक देखने के लिए जैसे टोंगा में रिसेंटली हुआ था राइट तो ये क्या है ये डीप सी ओशन मिशन से जो है यही सब तो हमें एक्सप्लोर करना है ठीक है तो इन सब का कॉम्पोनेंट भी कहीं ना कहीं दिमाग में रखिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी पास्ट ईयर यूपीएससी में पूछे गए हैं इसलिए मैं आपको फोकस कर रहा हूं इसी के रिलेटेड और एक है दैट इज एनर्जी एंड फ्रेश वाटर फ्रॉम ओशन जी हाँ एनर्जी जैसे ओशन थर्मल एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना फ्रेश वाटर फ्रॉम ओशन फ्रेश वाटर फ्रॉम ओशन ऑफकोर्स यार बहुत सारे ऐसे पॉकेट्स ऑफ ओशन होते हैं जहां पर रिस्पेक्टिवली सैलिटी काफी ज्यादा कम होती है अगर वहां से हम वाटर को एक्सट्रैक्ट करें और उसको अगर पोर्टेबल वाटर पोर्टेबल वाटर बनाए जिसको अपन पी सकते हैं तो वाटर की कमी जो दुनिया में फेस की जा रही है वो फ्यूचर में हो ही ना राइट अगेन दो हजार बारह में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था इसको रिलेटेड नेशनल इफ नेशनल इफ नेशनल वाटर मिशन इज प्रॉपरली एंड कंप्लीटली इंप्लीमेंटेड हाउ विल इट इम्पैक्ट द कंट्री राइट अगेन वाटर को लेकर था तो देखते हैं क्या क्या यहां पे ऑप्शन है पार्ट ऑफ वाटर नीड ऑफ अर्बन एरियाज विल बी मेड थ्रू रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर क्या ये सही लग रहा है देखो फेस वैल्यू में कहीं ना कहीं सही लगता है दैट चलो ठीक है अगर नेशनल वाटर मिशन क्यों सेटअप किया जाएगा जरूर जो वाटर गंदी हो रही है या फिर जिसको हम लोग यूज नहीं कर रहे थे पहले उसको शायद फिर से यूज कर सके राइट right? तो ये कहीं ना कहीं सही लगता है दूसरा द वॉटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कोस्टल सिटीज विथ इन एडिकुएट ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ वाटर विल बी मेड बाई अडोप्टिंग अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज दैट अलाउस फॉर यूज ऑफ ओशन वाटर ऑल द रिवर्स ऑफ हिमालयन ऑरिजिन विल बी लिंक्ड टू द रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया राइट ओके ये कुछ ज्यादा ब्लंट स्टेटमेंट दिया हुआ है यह तो चलो लगता भी है राइट right? ये कुछ ज्यादा ब्लंट स्टेटमेंट दिया हुआ है राइट क्योंकि नेशनल वाटर मिशन का एस सच ये स्टेटमेंट ये रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट का अगर स्टेटमेंट ये रहेगा तो अलग चीज है है ना नेक्स्ट इज एक्सपेंस इनकर्ड बाई द फार्मर्स फॉर डिगिंग बोर्डवेल्स एंड फॉर इंस्टॉलिंग मोटर एंड पंपसेट टू ड्रॉ ग्राउंड वाटर विल बी कंप्लीटली रिमबर्स देखो कंप्लीटली रिमबर्ड बाई द गवर्नमेंट राइट सो दिस इज दिस इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन पर्सन राइट सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन वन एंड ऑप्शन टू विच विल सीन ऑप्शन बी तो एनीवेज क्या होता है ना दट आजू रिलेशन से भी कुछ कुछ क्वेश्चन पास्ट ईयर में पूछे जाते हैं तो वो सब मैं बतला देता हूं इसीलिए जिससे कि आपको लगे दैट हाँ कोई भी अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं ना तो उसका एसेंस क्या है, है ना नेक्स्ट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में था एक्चुअली इंटरनेशनल अच्छा ये तो खैर हम लोगों ने पह, कल वाले क्लास में देखा था ना जहां पर हम लोगों ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में वेरियस चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी आज के आर्टिकल में जो है ना कुछ ऐसा बोला गया था दैट क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रशिया के वर्ल्ड अभी जो रशिया कर रही है राइट right, उसको क्या रोक सकती है तो इसी के रिलेटेड हम लोगों ने सोचा दैट चलो एक क्वेश्चन ही आपके सामने प्रेजेंट किया जाए दैट इज एक मेन्स का क्वेश्चन इसके रिलेटेड मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं वो क्या है वॉट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पहली बात तो चलो इससे जो है आपका स्टैटिक पार्ट कवर हो जाएगा पहला वाला पार्ट से दूसरा वाला पार्ट पूछा गया इन क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मैंडेट जो है इन रूलिंग अ करंट क्राइसिस हैपनिंग इन ईस्टर्न यूरोप क्या मतलब इसका मैंडेट है दैट ईस्टर्न यूरोप में जो करंट क्राइसिस चल रहा है दैट इज रशिया यूक्रेन का जो प्रॉब्लम चल रहा है उसको ये सॉल्व कर सके तो चलो एक एक करके शुरुआत करते हैं ये देखो इंट्रोडक्शन पार्ट में आप ये लिख सकते हो दैट ये एक्चुअली में है क्या राइट right, देखो उसका क्लियरली डेफिनेशन है दैट हाँ ये एक प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1945 में क्यों इसका मेन एम यही था दैट सेटल कर सके ये डिस्प्यूट बाई द पार्टीज अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ है ना मेन ऑब्जेक्टिव अगर इसका देख लीजिएगा तो ये एज काम करती है एज अ वर्ल्ड कोर्ट जिसका दो फोल्ड जुरोडिक्शन होता है एक तो लीगल डिस्प्यूट को सॉल्व करना जो कि स्टेट्स के बीच में होता है अगर स्टेट उसको सबमिट करता है ऐसा नहीं दैट सुओ मोटू यह कॉन्ग्नीजेंस नहीं लेती है दैट अगर कोई भी लीगल डिस्प्यूट हो गया दो कंट्रीज के बीच में और दो कंट्रीज अगर जाएंगी ना आई के पास तभी ये अपना वर्डिक्ट देगी ऐसा नहीं दैट अचानक से कुछ भी अगर एंसीडेंट चल रहा है तो ये सुओ मोटू वर्डिक्ट ले लेगी ना 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 ऐसा नहीं होता है तो एक तो हुआ लीगल डिस्प्यूट दूसरा हुआ एडवाइजरी ओपिनियन भी के लिए भी पूछा जाता है ऑन लीगल्स क्वेश्चन रेफर टू इट बाई यूनाइटेड नेशन तो अभी जो इंसिडेंट जो चल रहा है बताइए ये कौन से डिस्प्यूट में आता है पहला क्या दूसरा ऑफकोर्स पहला में है ना ओके इट एक्सेप्ट स्टेट्स ज्यूरशन अनडाउली जजमेंट जो है इसका फाइनल होता है और बाइंडिंग होता है ऑन द पार्टीज ऑफ द केस बट ध्यान दीजिएगा इसकी जो एडवाइजरी प्रोसीडिंग्स होती है ना वो लेकिन नॉन बाइंडिंग होती है है ना बट क्या होता है ना बाइंडिंग इसके केसेस भी बहुत समय पार्टीज जो है उसको नहीं मानते हैं ना एनी वेज रिसेंटली अगर ईस्टर्न यूरोप में क्राइसिस देखिएगा तो आई सी जे हैज़ ऑर्डर्ड रशिया फॉर इमीडिएट सस्पेंशन एप्सोल्यूटली रशिया जो यूक्रेन में कर रही है उसका बोला पूछा तो गया है दैट हाँ एप्सोल्यूटली सस्पेंशन होना चाहिए बट देखो आईसीजे में भी जो वर्डिक्ट चला था ना उसमें भी यू नो रशिया और चाइना बिल्कुल अगेंस्ट हो गए थे दैट uh, क्योंकि उनका कहना है दैट ये तो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है है ना ये बेसिकली इन्वेजन नहीं है क्योंकि देखो इन्वेजन और स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन अगर दोनों में देखोगे तो देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज टू राइट तो वो अपना पक्ष रख रही है दैट हम लोग स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूक्रेन जो है ईस्टर्न uh, यूक्रेन में जो लुहानस uh, और डोनेस ये दो रीजन है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्बरता किया है यूक्रेन ने इसलिए और साथ ही साथ कोर्स अपने यू नो मिलिट्री इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए और यूक्रेन हैज इट एप्लीकेशन अगेंस्ट रशिया टू आईसीजे बट आईसीजे डिड नॉट गिव ऑटोमेटिक डायरेक्शन इन दिस क्राइसिस सो फार और क्योंकि ये न्यूज इन ट्रांजिशन है तो आने वाले समय में देखो कैसे भी चेंजेस आएंगे ना उसके साथ हम लोग इन क्वेश्चन को भी चेंज करते रहेंगे ठीक है तो समय के साथ साथ अगर क्वेश्चन भी आप, आप जो भी कर रहे हो मेक श्योर दैट एटलीस्ट प्रैक्टिस करो यार है ना क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे दिस विल ओनली यू नो टेक यू आउट ऑफ द डायलेमा दैट वेदर यू विल क्रैक द पेपर और नॉट क्योंकि जितना क्वेश्चन राइटिंग करोगे ना दैट विल बेटर फॉर यू एक काम करो ना आप इन सब जो मैं क्वेश्चन देता हूँ ना आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो एंड ट्रस्ट मी आई विल चेक इट पर्सनली फॉर यू वाइस राइट सो जस्ट ट्राई टू डू दैट एनी चलो कुछ कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जैसे पहला क्वेश्चन है डर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ठीक है ऑर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है ओआईसी इज द सेकंड लार्जेस्ट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर यूनाइटेड नेशन जिसका मेंबरशिप है फिफ्टी सेवन स्टेट्स का क्या यह सही है एब्सलूटली यही चीज तो हम लोगों ने पढ़ा दूसरा इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ ओ आई सी बताओ मैंने स्टार्टिंग मैंने क्लियरली बोला था ना दट हाँ नहीं है इंडिया फाउंडिंग मेंबर है ना बट हाँ इन 2019 में जो है स्पेशल इंडिया को बुलाया जरूर गया था वो रीज़न अलग था क्योंकि वो फिफ्टियथ ईयर है था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओ का इसीलिए राइट right. बट इसका मतलब ये नहीं दैट इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट देखो आप लोग बहुत सोचोगे बहुत जान ऐसे जो सोचेंगे दैट हाँ यार इंडिया में भी तो एक मेजर चंक ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है दुनिया में अराउंड तीसरा लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में ही है राइट right. तो इंडिया को क्यों नहीं मेंबरशिप मिला हुआ है वो चीज मिला हुआ पाकिस्तान के कारण वैसे देखो वी हैव सॉट फॉर द मेंबरशिप ऑफ ओ राइट बट स्टिल पाकिस्तान के कारण जो है हमें नहीं मिल रहा है राइट right? तो एनी ये दो स्टेटमेंट है विच एम फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट दूसरा तो स्टेटमेंट क्लियरली गलत हो गया तो ऑब्वियस सब बात है पहला स्टेटमेंट ही इसका राइट right हो रहा है नेक्स्ट इज प्रिविलेज कंसिस्ट ऑफ द मेंबरशिप ऑफ अच्छा चलो ये देखो क्लियरली पूछा गया यही मैंने बताया था ना लोकसभा पंद्रह मेंबर राज्यसभा दस मेंबर लोकसभा दस मेंबर राज्यसभा पंद्रह मेंबर ऑल मेंबर्स मेंबर्स आर आर फ्रॉम फ्रॉम लोकसभा ऑल राज्यसभा बताओ कौन सा सही है अगर फिर से अगर आप नहीं याद कर पा रहे हो रिकॉल कर पा रहे हो तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए जिसमें लोकसभा से पंद्रह मेंबर है राज्यसभा से दस मेंबर है टोटल पच्चीस मेंबर है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज और कॉम्पोनेंट ऑफ डीप ओशन मिशन मैंने बताया था ना इसके कॉम्पोनेंट्स को प्रॉपरली देखना है हमें देखो पहला क्या है डेवलपमेंट ऑफ मैंड सबमरीन व्हीकल दूसरा डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज फॉर डीप सी माइनिंग डेवलपमेंट ऑफ ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज डीप ओशन सर्विस एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ कोर्स चारों के चारों बिल्कुल सही है राइट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट तो हाँ ऑप्शन इज डी वन टू एंड थ्री एंड फोर ठीक है uh, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी क्लास प्लीज इसका डाउन पी डी एफ जो है दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जाइए वहां से डाउनलोड भी कर लीजिए राइट right? चलिए मिलता है नेक्स्ट क्लास में बाय टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसन टू द होल वीडियो थैंक यू वेरी मच